और बाढ़ बारिश से जुड़ी कुछ खबरों की तरफ रुख करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। मौसम विभाग ने जारी किया उत्तराखंड के लिए हाई अलर्ट, 14 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी, पहाड़ों पर जताई भारी बारिश की आशंका। बिहार के राघोपुर में उफान पर गंगा नदी किनारे कटाव की वजह से खेतों की जमीन गंगा में समाई, किसानों के सामने मुसीबत का टूटा पहाड़। राघोपुर में गंगा के कटाव के हवाले से पूर्व विधायक सतीश राय का मौजूदा सरकार पर निशाना, कहा कटाव से बचाव के लिए शुरू कराया था काम, तेजस्वी यादव ने पूरा नहीं करवाया काम। पूर्वी चंपारण के चिरैया से बीजेपी विधायक का विरोध, रामपुर मनोरथ गांव के लोगों ने पुल निर्माण को लेकर किया प्रदर्शन, बरसात के मौसम में गांव में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में रुका नहीं कुदरत का कहर, थाची वैली में आई पत्थरों की बाढ़, बारिश के पानी के साथ बहकर आया बड़ी मात्रा में मलबा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मॉनसून की बारिश बनी मुसीबत, बारिश की वजह से उफान पर बह रही नदी, दहशत में जीने को मजबूर नदी किनारे के बसे लोग। और 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों का वक्त है। सरकार की तरफ से प्याज के दाम कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदम का विरोध, किसान बोले उनके हित में नहीं सरकार का फैसला, किसानों ने दी सड़क पर उतरकर विरोध करने की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़े प्याज के दाम, कुछ ही रोज के भीतर प्याज के दाम 30 से 40 रुपए प्रति किलो पहुंचे, बारिश की वजह से स्टॉक खराब होने का दिया जा रहा हवाला। राजस्थान के नागौर में बड़ा सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर में हुई 8 लोगों की मौत, 2 लोग घायल, कार सवार लोग बारात में शामिल होकर लौट रहे थे घर। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, एक जवान की मौत, 13 घायल, भारत पाक सीमा पर राशन और जवानों को लेकर जा रहा था ट्रक। सहारनपुर दिल्ली देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार कार कंटेनर से टकराई, हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल, हादसे के बाद कार में लगी आग। अमरोहा में कार सवार शख्स ने जानबूझकर मारी दूसरी कार को टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें, टक्कर के बाद दोनों कार डिवाइडर से जा टकराई। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बिजली गिरने से 20 छात्राओं की हालत गंभीर, हादसे के समय स्कूल में थी सभी छात्राएं, 2 छात्रों की हालत बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। 15 अगस्त को लेकर सीमा पर जवानों ने बढ़ाई चौकसी, पुंछ में पाक सीमा पर लगातार गश्त कर रहे जवान, एलओसी पर सरहद पार से होने वाली हर हलचल पर रखी जा रही पैनी नजर। राजस्थान के सिरोही में नहाते वक्त नदी में डूबा युवक, गोताखोरों ने नदी से बाहर निकाला शव, बहुत देर तक सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। सुल्तानपुर में वकील की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी सिराज अहमद के घर पर गर्जा बुलडोजर, गोली मारकर की गई थी वकील आजाद की हत्या। दिल्ली के किंग्सवे कैंप में हर्षल लेन रोड लाइट पर कार में लगी आग, बीच रोड पर जली कार, समय रहते गाड़ी से बाहर आए कार सवार लोग फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक खाक हो चुकी थी कार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना, दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।